वीजी बोर्ड ने बहुत से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है, क्योंकि ये गेम दावा करता है कि ये आपको भूतों प्रेतों से कम्युनिकेट करा सकता है या तो आपको दूसरी दुनिया में भेज सकता है। दुनिया भर में ये गेम भूतों और आत्माओं को बुलाने और उनसे बात करने के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है। ओउजा बोर्ड गेम में आप बोर्ड पर रखे लेटर्स की मदद से आत्माओं से किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आत्मा देती है। लेकिन ध्यान रहे, भूल कर भी कभी ये पूछने की गलती ना करें कि आपकी मौत कब होगी। इस खेल के दौरान आप इसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं तो आत्माएं आपको उनकी अंधेरी दुनिया में हमेशा के लिए ले जाएंगी। आगे बताई जाने वाली कहानियां भयानक है, क्योंकि वे लापरवाह लोगों द्वारा वीजी बोर्ड से बुलाए गए आत्माओं की सच्ची कहानियों पर आधारित है। चाहे आप भूतों पर विश्वास करते हो या नहीं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि ये तीन कहानियाँ आपको दोबारा सोचने पर मजबूर कर सकती है। हमारी पहली कहानी मैटी और जैमी इन दो बहनों की है। मैटी और जैमी दोनों ही बहुत ज़िद्दी थे, जिसकी वजह से इनके माता पिता को परेशानियाँ झेलनी पड़ती थी। अपने इसी ज़िद के कारण मैटी और जैमी को एक डरावनी मुसीबत का सामना करना पड़ा था। वे दोनों लड़कियों को अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तरह वीजी बोर्ड खेलने की उत्सुकता हो रही थी। एक दिन मैटी और जैमी अपने घर में अकेली थी। अचानक उन्हें ऊपर के कमरे के बाथरूम से पानी बहने की आवाज़ आती है। जैसे ही वे दोनों बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है, वे देखती है कि पूरा बाथरूम पानी से भरा हुआ है। इसे बंद करने के बाद वे नीचे लौट आए। हालांकि पहली घटना के कुछ ही मिनट बाद एक बार फिर वही शोर हुआ। दोनों ने सोचा कि अगर आत्माओं के साथ कुछ करना है तो उन्होंने अपने वीजी बोर्ड का उपयोग करने का फैसला किया। कुछ बेतुके सवाल पूछने के बाद जैमी के साथ कुछ अजीब हुआ। जैमी अचानक शांत हो गई। कुछ समय बाद उसने मैटी के सवालों का जवाब देना पूरी तरह से बंद कर दिया। जब मैटी ने उसे थोड़ा करीब से देखा तो उसने देखा कि उसकी दोनों आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो गई थी। मैटी को लगा कि जैमी उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन अचानक जैमी के अंदर से एक मर्दाना आवाज़ आई, Stop doing what you are doing। कुछ समय बाद जैमी अपने होश में आई। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ है। इस हादसे के बाद उन दो बहनों ने कभी भी वीजी बोर्ड को हाथ नहीं लगाया और कुछ दिनों बाद उसे जला दिया। क्या आप मानते हैं कि कुछ लोगों में भविष्य को देखने की क्षमता होती है? इसके बारे में शायद कुछ लोगों को पता होगा, ये कोई नई बात नहीं है। इतिहास में बहुत से लोगों ने दावा किया है कि वे मृत लोगों की आत्माओं को देख सकते हैं और बातें भी कर सकते हैं। आप इस पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन एक लड़की की कहानी है जो आपको दोबारा सोचने पर मजबूर कर सकती है। एंजेलिना के पापा की एक साल पहले कार एक्सीडेंट से मौत हो गई थी, पर मरने के बाद भी उनकी रूह एंजेलिना की रक्षा कर रही थी। एंजेलिना आत्माओं में विश्वास रखती थी, इसलिए वो हमेशा अपने पापा को वीजी बोर्ड के माध्यम से कांटेक्ट करने की कोशिश करती रहती थी। पर एक रात उसके पापा ने उसे सपने में आकर ये कहा कि वो वीजी बोर्ड से दूर रहे, ये उसके लिए जानलेवा हो सकता है। उसके पिता की सलाह ने एंजेलिना को वीजी बोर्ड खेलने से कुछ दिनों के लिए रोक दिया। एक रात एंजेलिना ने अपने कुछ दोस्तों के साथ वीजी बोर्ड का गेम खेला। उन्होंने एक डीमन को समन किया, यानी बुलाया, जो सिर्फ एंजेलिना का नाम ले रहा था। एंजेलिना के दोस्त आत्मा से बात करना जारी रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सवाल पूछना जारी रखा, लेकिन वो डीमन सारे सवालों को इग्नोर कर रहा था और एंजेलिना का नाम ले रहा था। डीमन ने यह भी बताया कि कल एंजेलिना का खून होने वाला है। डीमन की भविष्यवाणी लगभग सही हो गई जब एंजेलिना को एक अजनबी ने हथौड़े से जानलेवा हमला किया, जिसकी वजह से उसके सर पर फ्रैक्चर आ गए। बहरहाल एंजेलिना बच गई और उसने फैसला किया कि उसके पिता की सलाह लेना और वीजी बोर्ड को दोबारा यूज़ नहीं करना एक अच्छा विचार होगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ कि वीजी बोर्ड खेलना घातक हो सकता है। ये कुछ 2013 की बात है। मेरे बड़े भाई के पास एक पुराना वीजी बोर्ड था। मैंने वीजी बोर्ड को कभी नहीं देखा था और मुझे पता भी नहीं था कि ये कैसे काम करता है। मेरे भैया ने बताया कि इसकी मदद से हम स्पिरिट्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे बचपन से ही भूतिया टॉपिक्स में इंटरेस्ट था, सो मैंने उसे अकेले ट्राई किया, पर कुछ नहीं हुआ।
मुझे पता था कि ये सब बकवास होते हैं, पर फिर भी मैंने अपना शौक पूरा करने के लिए इसे ट्राई किया था। मैंने उस बकवास वीजी बोर्ड को हॉल में फेंक दिया और अपने रूम में सोने चला गया। सब कुछ सही चल रहा था, पर जैसे ही सुबह हुई मैंने देखा कि मेरे हॉल में जितनी भी चीज़ें थी सब बिखरी हुई थी, जैसे मानो किसी ने जानबूझकर इसे किया है। और एक बात नोटिस करने वाली थी कि वीजी बोर्ड उस जगह पर नहीं था जहाँ मैंने कल उसे फेंका था। मैंने सब कुछ अपने जगह पर रख दिया और वीजी बोर्ड को अपने कमरे के फ्लोर में फेंक दिया। उस रात जैसे ही मुझे नींद आई, चीज़ें और भी ज़्यादा भयानक रूप लेने लगी। मुझे एक टिक सी आवाज़ आई, मैंने अपने रूम में देखा, फिर मैंने स्टोर रूम के दरवाजे से स्टोर रूम की लाइट ऑन है ये नोटिस किया। मुझे नहीं पता था कि स्टोर रूम की लाइट कैसे ऑन हुई। मैं अपने कमरे में अकेला था, मैं स्टोर रूम में गया, रूम में कोई नहीं था। मैंने स्विच ऑफ किया और अपने बेड में आकर सो गया। प्रॉबेबली 10 मिनट बाद फिर से वही आवाज़ हुई। मैंने स्टोर रूम की तरफ देखा तो मुझे मानो एक मिनी हार्ट अटैक सा आ गया हो ऐसा लगा, क्योंकि स्टोर रूम की लाइट ऑन थी। अब मैं कन्फ्यूज्ड और डर गया था। मैंने लाइट ऑफ की और अपने बेड में आकर वेट करने लगा कि स्टोर रूम की लाइट ऑन हो, पर जो हुआ वो उससे भी काफ़ी भयानक था। स्टोर रूम के बदले मेरे रूम की लाइट ऑन हो गई और जैसे ही मैंने विंडो की तरफ देखा, कोई मिस्टेरियस क्रीचर मुझे घूरे जा रहा था। मैं बहुत डर चुका था। मैं अपने रूम से बाहर निकला और सबसे पहले काम जो मैंने किया, उस वीजी बोर्ड को जला दिया। इसके बाद कभी भी मेरे साथ ऐसा हादसा नहीं हुआ। वीजी बोर्ड को लेकर आपके मन में क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। मिस्टर असलैंड को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको ऐसे मिस्टीरियस वीडियोस और देखना है तो इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मेरे चैनल में ऐसे ही मिस्ट्री से भरी वीडियोस आते रहते हैं।